सो गाइस दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए इंस्टाग्राम रील्स की ट्रेंडिंग फोटो वीडियो कैसे आप एडिटिंग कर सकते हो या कैसे आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाए है, तो अगर आप इसी तरीके की वीडियो बनाना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो अपनी एंड्रॉयड के अंदर, तो काफ़ी इजी ट्यूटोरियल दिखाए हैं। वीडियो को एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आज को अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको कैपकार्ट वीडियो एडिटिंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैंने दे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कैपकार्ट को सिंपली हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो कैपकार्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ से वीडियो से फोटो ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे या आप एल्बम के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली फोल्डर से पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपना पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है, ये आप देख रहे हो। सो जस्ट इस तरीके से सिलेक्ट करना है। ओके सो जितने भी पिक्चर आप सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड सिलेक्ट कर सकते हो और आप जो है 3-4-5 पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारा सारा पिक्चर आ जाएगा कैपकार्ट एडिटर एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपको राइट साइड पे स्क्रॉल करना है, स्कैन पोजीशन पर आना है और यहाँ पर इस एप्लीकेशन को वाटरमार्क आता है तो इसको डिलीट करना है। इस ब्लैंक पार्ट के ऊपर क्लिक करना है और डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है। सिंपली डिलीट हो चुका है। अभी सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी फ़ोटो का एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर लेना है। तो इसके लिए आपको राइट पे स्क्रॉल करना है एंड फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 को चूज़ करना है एंड अपनी पिक्चर को इस तरीके से जूम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाना है, इसको भी आपको जूम कर लेना है। उसके बाद इस पर भी आ जाना है, इसको इस तरीके से जूम कर लेना है। सो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको अपना सारा पिक्चर को जूम करके पूरे स्क्रीन पर इस तरीके से फिल कर लेना है। सो अगर आपकी भी पिक्चर ऑलरेडी 9:16 एस्पेक्ट रेशियो का नहीं है तो आपको ये चीज़ करना है, और अगर आपका फोटो ऑलरेडी 9:16 एस्पेक्ट रेशियो का है तो आपको इन सभी चीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ओके सो आप देख सकते हो मैंने कर लिया। अभी यहाँ से हमें आ जाना है बैक, तो उसके बाद आपको अपना जो पिक्चर है, सबसे पहला जो पिक्चर है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा, तो ये आप देख सकते हो इन आउट एंड कॉम्बो। तो आपको सिंपली कॉम्बो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इफेक्ट आ जाएगा इस तरीके का, आपको राइट पे स्क्रॉल करना है। सो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते रहना है और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिलेगा, एक नहीं 2 इफेक्ट मिलेगा। सो यहाँ पर मिलता है, आप देख सकते हो सबसे पहला मिलता है पेंडुलम 1 एंड सेकंड मिलता है पेंडुलम 2। तो सबसे पहले पेंडुलम 1 को आपको अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आ जाना सेकंड पिक्चर पर। अभी यहाँ से पेंडुलम 2 को आपको सिलेक्ट करना है। सो पेंडुलम 2 को सिलेक्ट कर लिया। अभी आ जाना आपको अपना नेक्स्ट पिक्चर पर और यहाँ से पेंडुलम 1 को अगेन अप्लाई करना है। उसके बाद आपको आ जाना अपना नेक्स्ट पिक्चर पर, पेंडुलम 2 को अप्लाई करना है। उसके बाद आ जाना नेक्स्ट पिक्चर पर, अगेन आपको पेंडुलम 1 को अप्लाई करना है। उसके बाद अगेन आपको आ जाना अपना नेक्स्ट पिक्चर पर एंड पेंडुलम 2 को अप्लाई करना है। सो इसी तरीके से आपको अपना सारा पिक्चर पर पेंडुलम 1 एंड पेंडुलम 2 को अप्लाई करना है। जो भी सबसे पहला पिक्चर होगा उसके अंदर पेंडुलम इफेक्ट 1 अप्लाई होगा एंड जो बाद में पिक्चर आएगा, जैसे कि जो सेकंड पिक्चर आएगा उसके अंदर पेंडुलम 2 इफेक्ट अप्लाई होगा। सो सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। सो काफ़ी ईजी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये चीज़, ठीक है। सो पेंडुलम 1 एंड देन पेंडुलम 2, सो पेंडुलम 1 एंड पेंडुलम 2। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो मैंने अपना जितने भी पिक्चर उन सब पर ये इफेक्ट अप्लाई कर लिया। अभी इसको सिंपली करते हैं डन। सो डन करने के बाद यहाँ से आ जाना है बैक एंड बैक आने के बाद यहाँ से प्लस एड ऑडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस टाइप का हमारा वीडियो बनाए। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेसिकली होता है कि
कि फोटो लेफ्ट साइड और राइट साइड स्लाइडिंग के साथ आपको बीट को मैच करना होता है अपनी म्यूजिक का, जो भी म्यूजिक आप ऐड करोगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना म्यूजिक ऐड कर लेते। तो मैं साउंड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर जो है अपना म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक म्यूजिक को डाउनलोड किया था जो कि काफ़ी पॉपुलर है इंस्टाग्राम के रील्स के अंदर, तो वाला म्यूजिक मैं ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये इसका नाम है। तो प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है तो ये म्यूजिक आ जाएगा। और इस म्यूजिक का जो स्टार्टिंग है कुछ सेकंड, उसको मैं कट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर कट करता हूँ। स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना है और इसको डिलीट कर लेना है। अभी इसको आगे की तरफ खींच लेना है इस तरीके से, ठीक है। और जस्ट आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो के साथ बीट को मैच करना है। सो कैसे मैच करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक बीट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमें क्या करना है, इस बीट पर आ जाना है और यहाँ पर स्प्लिट कर लेना है इस तरीके से अपनी फ़ोटो को। इसका जो ये पार्ट है इसको डिलीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें आ जाना है और यहाँ पर आपको स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। स्प्लिट करके इसका ये पार्ट को डिलीट कर लेना है। अगेन आपको अपना जो नेक्स्ट बीट है उसको देख लेना है। सो यहाँ पर आपको कर लेना है स्प्लिट, या आप यहाँ पर भी स्प्लिट कर सकते हो, जहाँ पर भी म्यूजिक का बीट आ रहा है वहाँ पर आप स्प्लिट कर सकते हो। एंड स्प्लिट करके फोटो का राइट साइड को आपको डिलीट कर लेना है, अगर आप बीट के साथ सही तरीके से मैच करना चाहते हो अपनी फ़ोटो का एनिमेशन, जब आपका फ़ोटो स्लाइड होता है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान से करना होगा, वरना आपका वीडियो बनेगा लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हो। सो आपको ये चीज़ ज़रूर से फॉलो करना होगा। सो फॉर एग्जांपल ये मैंने कर लिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको सारा फोटो पर ये चीज़ कर लेना है। सो जहाँ पर भी बीटर है वहाँ पर आपको स्प्लिट कर लेना है लाइक दिस। सो मैं यहाँ पर स्प्लिट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसकी यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं। ओके, तो म्यूजिक का जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको नहीं चाहिए उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर स्प्लिट कर लेना है। सो ये मैंने डिलीट कर लिए इस पार्ट को, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले करके प्रीव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आ चुका हूँ इसकी स्टार्टिंग पोजीशन पर और यहाँ से मैं प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ। एंड आप देख सकते हो काफ़ी शानदार तरीके से वीडियो हमारा एडिटिंग हो चुका है। सो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बीट के साथ आपको फोटो का एनिमेशन मैच करना है, ठीक है, या फोटो जब चेंज होता है उस वक्त मैच करना चाहिए, तो ही आपका जो वीडियो परफेक्ट वीडियो बनेगा, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आप एडिटिंग कर सकते हो अगर आप जस्ट इस चीज़ को फॉलो करते हो, ठीक है। तो काफ़ी सही तरीके से वीडियो एडिटिंग कर लिया, काफ़ी इजीली भी एडिटिंग कर लिया। अभी क्या करना है, इस वीडियो को सेव करना है। तो इसके लिए हमें ये जो ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से रेजोल्यूशन चूज़ कर लेना है 60fps, रेजोल्यूशन आपको चूज़ करना है 1080p एंड फ्रेम रेट आपको चूज़ करना है 60fps। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका वीडियो आपके गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।